सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग इन बशि स्टाइल को ताकि आपको मिलती रहे झटपट बनने वाली मज़ेदार आसान और बिल्कुल कम खर्च रेसिपीज़ बिस्मिल्लर रहीम अल्लाम कैसे हैं जनाब आप सब उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे हंसे मुस्कुराते होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे वेलकम आप सबको कुकिंग इन बिशेज स्टाइल में वेल जनाब आज हम बना रहे हैं इमली की खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो इन आपकी रेसिपी आपकी जो इमली की चटनी है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी यहाँ इमली है मेरे पास 250 फिफ्टी ग्राम्स एक पाव ठीक है एक पाव इमली ली एक पाव पानी यानी एक कप पानी लिया और उसको मैंने रात भर भिगो दिया गुड़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हाफ़ कप वन टीस्पून साबुत ज़ीरा हाफ़ कप इसमें जाएगी शुगर दोनों चीज़ें ऐड कर रही हूँ हाफ कप शुगर है हाफ़ कप गुड़ है क्योंकि हमें बिल्कुल वैसी ही चटनी तैयार करनी है जैसे कि मार्केट से आप परचेज़ करते हो हलवाई जिस तरह से बनाते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी वन टीस्पून है काला नमक हाफ टी स्पून है सफ़ेद रेगुलर सॉल्ट ब्लैक पेपर पाउडर काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून वन टी स्पून भर के ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ भूनना ज़रूरी है इसका टेस्ट आएगा भून के उसको पीस लें या कूट लें तो ये वन टी हम इसमें यूज़ करेंगे और वन टी इसमें जाएगा जिंजर पाउडर यानी सोठ का जो अदरक का सूखी अदरक का पाउडर होता है सोठ पाउडर वो हम इसमें वन टी ऐड करेंगे अच्छा जी इमली को मैंने पहले से भिगो दिया था रात भर की भिगी हुई है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है इसको हाथों से जब आप इस तरह से हल्का सा मसल लेंगे तो क्या होगा कि इसका जितना भी पल्प है वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा ठीक है हाथों से ही बेस्ट है कि आप इसको करें चम्मच से इतना अच्छे से ये मैश नहीं होगा मिक्स नहीं होगा अच्छी तरह से इसको मसल लेने के बाद स्ट्रेनर से स्ट्रेन करेंगे और स्ट्रेन करते हुए देखिए पहले आपने इस तरह से इसका पल्प निकाल लेना है फिर जो बच्चा है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मज़ीद जितना आप निकाल सकते हैं इसका पल्प वो आप निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे ये घुटलियाँ और इसका जो भी वेस्ट मटेरियल था वो अलग हो गया है और जो इसका पल्प है वो देखें कितना गाढ़ा ज़बरदस्त सपन जो है इसका निकल के हमारे पास आ गया है बिस्मिल्ल रहीम के साथ कुकिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पैन में शामिल कर रहे हैं वन टी स्पून ऑयल बहुत ऑयल नहीं डालना है वन टी स्पून इनफ है इसमें डाल दिया वन टी स्पून ज़ीरा और इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है जब तक ये हल्का सा पॉपअप नहीं हो जाता जैसे ही ज़ीरा भुनना स्टार्ट हो गया इसमें शामिल कर दें इमली का पल्प देखें कितना अच्छा पल्प इसका निकला है बिल्कुल थिक है ज़बरदस्त आप चाहें तो इसके साथ हाफ कप तक पानी भी ऐड कर सकते हैं कि ये जले नहीं और अच्छे से कुक हो जाए अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है ठीक है मीडियम हीट पे हम इसको कुक करेंगे बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे जैसे ही इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे फिर हम रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे तो आपने यहाँ पर इसको मीडियम हीट पे करके कुक करना है अभी आप देखें इसको बॉइल आना स्टार्ट हो गया इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं अब हम इसमें शामिल कर देंगे गुड़ आप चाहें तो एक कप गुड़ ही डाल दें चीनी का इस्तेमाल ना करें अगर आप चाहें तो चीनी ही एक कप डाल दें गुड़ का इस्तेमाल ना करें लेकिन दोनों चीज़ें अगर हाफ़ हाफ कप तो आप डालते हैं तो उससे इमली की चटनी आपकी बहुत ही अच्छी बहुत मज़ेदार बनेगी ख़ासतौर तो पर इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत अच्छा आएगा तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि दोनों चीज़ें हाफ हाफ कप यूज़ कर लें आप इसमें इसको हम हल्के आंच पे कुक करेंगे जब तक कि दोनों चीज़ें मेल्ट नहीं हो जाती है इसको अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट नहीं हो जाता है आप देखें चीनी जैसे मेल्ट हुई तो इसमें पानी की क्वान्टिटी ज़्यादा होगी कि चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ती है अब हम इसमें शामिल कर देंगे तमाम स्पाइसिस नमक है काला नमक है काली मिर्च का पाउडर है लाल मिर्च का पाउडर है ज़ीरा पाउडर है और सोठ पाउडर है अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मिक्स करने के बाद हम इसको कुक करेंगे सिर्फ़ इसमें अब हमने इसकी कुकिंग करनी है कुछ भी मज़ीद इसमें ऐड नहीं करना तमाम चीज़ें ऐड हो चुकी हैं सिर्फ हम इसको इतनी देर पकाएंगे इसमें अच्छे खासे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और थोड़ी सी इसमें थिकनेस आ जाएगी ठीक है तो यहाँ पे देखे ये अच्छे से कुक होना स्टार्ट हो गई है पाँच से सात मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद पका रही हूँ ये देखे अब जो इसकी थिकनेस है ये परफेक्ट है क्योंकि अभी इसको ठंडा होना है और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी तो मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ तो जनाब यहाँ मैंने इसको ठंडा कर लिया आप इसकी लुक देख सकते हैं इसका कलर देख लीजिए इसका टेक्सचर देख लीजिए और टेस्ट तो इसका खैर आप जब ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है तो इन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी कैसी लगी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इन शाला मजीद अच्छी वीडियोज़ के साथ अच्छी रेसिपीज़ के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल मुझे रखिएगा दुआ में याद अल्लाह हाफि